अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम वालदैन, कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है ठीक होंगे आप। सबसे पहले तो माजरत कि हम थोड़ा सा लेट हो गए और अब आज के जो आज का जो प्रोग्राम है तो ये होगा कि अगर आप आपका बैग नहीं है, पहले मैं कुछ चीजें जो बुनियादी आपसे और उसके बाद फिर 20 मिनट्स में 15 मिनट्स क्वेश्चंस के रख लेंगे। इस दौरान में अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो फिर आपने वो लिख के भेज देना, मैसेज कर देना, टीम है वो मुझे लिख बता देगी और मैं जो हूँ उसका जवाब दे दूंगा। तो इस फॉर्मेट पे चलते हुए हम जो है वो बातचीत करेंगे। शुरू कर लेते हैं तो अगर आप तो मोटिवेट करना पहले एक लिस्ट बनाइए जो उसकी पसंदीदा चीजों की लिस्ट हो, उसके पसंदीदा कामों की लिस्ट हो, 8-10 चीजें जो वो खाने पीने में उनकी लिस्ट बनाइए। लेकिन इन चीजों की लिस्ट बनाते हुए दो चीजों का ख्याल रखना है, जो चीजें उसको खाने पीने में पसंद है उनमें से वो चीजें जो आप आसानी से एक दिन में अगर 2-3 दफा देनी पड़ जाए तो आपके लिए पैसों का मसला ना हो, मसलन ये चिप्स हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, टॉफी और बिस्किट हो सकती है, लेकिन पिज्जा नहीं हो सकता क्योंकि वो महंगा होगा। वो चीजें जो आप आसानी से अफोर्ड कर पसंद है। उसके बाद वो काम जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है, जिस तरह आजकल बच्चों को मोबाइल पे मुख्तलिफ गेम्स खेलना बहुत पसंद है, लैपटॉप का इस्तेमाल, टैबलेट का इस्तेमाल या कोई खेल खेलना, तो ये जितनी इस तरह की एक्टिविटीज हैं दूसरी लिस्ट उनकी बनेगी। ये 5 या 7 एक्टिविटीज हैं, घर जाना, घर से बाहर जाके खेलना किसी कजन वगैरह की तरफ, तो ये जो पसंदीदा एक्टिविटीज हैं ये बनाना पड़ेगी। ये दोनों लिस्टें बन जाएं, ये आपने बच्चे के मशवरे से नहीं बनानी, ये आपने बहसीत गौर व फिक्र करना है, अंदाजा लगाना है और ये लिस्टें बना लेनी है। अब बच्चे के साथ बैठिए जब वो अच्छे मूड में हो और टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने का फायदा ये होता है ऊपर से देख के लिख रहे हो जब हम टाइमटेबल बना लेते हैं, शेड्यूल तय कर लेते हैं तो मुकर्रा वक्त से कबल बच्चा ज़हनी तौर पे तैयार होता है और हम एक रिमाइंडर भी दे देते हैं तो उसको याद आ जाता है कि अब मेरा पढ़ने का टाइम है। तो लर्निंग के ये असूल जो हैं, टीम को बता दूं आपको एक खास ला ऑफ इफेक्ट है, यानी अगर कोई काम इंसान को पसंद होगा तो वो करेगा, अगर कोई काम नापसंद होगा तो उसे जान छुड़ाएगा। तो ये जो हमने बच्चों को पढ़ाना है ये भी खुशगवार एक्टिव बात में आगे बात करेंगे। और तीसरा जो थीम है जो है वो ये है कि जो लिखते पढ़ा होगा ठीक है वो अच्छा, ये एक और ला है जो ला ऑफ एक्सरसाइज है, मैं उसको जरूरी हवाले से ध्यान करना चाहूंगा पढ़ाई के हवाले से, कि जिस चीज की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज मीन प्रैक्टिस मश्क, जिस चीज को जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार करेंगे, वो उतनी ज्यादा याद होगी हमें। तो ये तीन जो असूल हैं, बच्चा आमादा हो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको पढ़ाई को हम एक खुशगवार एक्टिविटी बनाएं, खुशगवार तासर छोड़े, लाभ तीसरा
लाफ एक्सरसाइज जो पढ़ाना है वो याद भी करना है, तो उसको बार बार मुख्तलिफ तरीकों से हम रिपीट भी करेंगे। जैसे अगर आपने कोई नया लफ्ज जो है वो बच्चे को सिखाया है, और मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा कि बच्चे को कोई नया लफ्ज सिखाएं, तो आपने ये नहीं कहना कि ये मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे हमारे साथ कहा करते थे, आपने कहना कि ये नया लफ्ज है। जब ये बोलेंगे कि नया लफ्ज है तो बच्चे में दिलचस्पी पैदा होगी, नया लफ्ज आ रहा है। मिल के बैठ के उसके मशवरे से टाइम तय कर लेना है कि इस टाइम पे बैठेंगे। अगर बच्चा छोटा है तो कम होगा, 1.5-2 घंटे में काम हो जाता है, तो दैट इज एनफ। अगर बच्चा बड़ा है, बड़ी क्लास का है, जो जो बच्चा बड़ी क्लास में है, तो ये टाइम जो है वो 2 से 2.5, 2.5 से 3 तक ही जाना है। और अगर बच्चा आपका पोजीशन होल्डर है या पोजीशन लेने वाला है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो वो इससे भी ज्यादा पढ़ सकता है। लेकिन ये 2-3 घंटे जो है ये मुख्तलिफ क्लासेस के एतबार से, जिन दिनों में स्कूल खुले हों उन दिनों में काफी होते हैं, लेकिन आजकल स्कूल बंद है तो आप इसे भी कर सकते हैं। बाहमी रजामंदी शामिल हो गई, अब तय कर लें तो उस पे आपने स्टिक करना है, उससे कोई गर्दानी नहीं होगी। आप अपने आप को अवेलेबल करेंगी ताकि बच्चा जो है वो लाजमी एक रूटीन का आदि हो जाए। अच्छा, ये जो रूटीन है ये 70-80-90% पे, बल्कि 95% बच्चों पे कारगर साबित होगी। लेकिन अगर आप फिर जो है ये उतनी कारगर ना हो, बच्चा बड़ा है, हाइपर एक्टिव है, वो ये कहता है कि जी मैं पढ़ लूंगा, जो आपका मकसद है वो हासिल हो जाएगा, मुझ पे ये पाबंदी ना लगाएं। अगर आप ये समझते हैं बच्चा कौन कौन सी चीजें उनके पास होंगी, चीजें जो है ये हेल्प करती हैं छोटे बच्चे जो है बच्चा अगर बड़ा है तो ये 40-45 मिनट या 1 घंटे के बाद ही ब्रेक, 10-15 मिनट की। और ब्रेक जब होगी तो आपने उसको रिमाइंडर भी देना है ब्रेक होने से 2 मिनट पहले, और आपके मोबाइल में या घड़ी में एक टाइमर कहते हैं, ये टाइमर जो है ये बच्चे को जब वो अपने टाइमर करेगा, ये जो पढ़ाई का टाइम है होता जाएगा, जब वो ब्रेक लेगा टाइमर को रोकेगा, तो ब्रेक से वापस आएगा वो फिर टाइमर को ऑन करेगा। ये हैंड रेज करके पूछते हैं, बच्चे ने आपसे वादा किया है 2 घंटे पूरे होंगे उस टाइमर पे तो वो तब छोड़ेगा। इसमें आपकी जो ट्रस्ट होती है बाज औकात के बच्चा 2 मिनट लेट हो गया, 4 मिनट लेट हो गया या 5 मिनट लेट हो गया ब्रेक से, तो वो तू तू मैं शुरू हो जाती है, माँ कहती है तुमने पूरा टाइम नहीं पढ़ा, वो कहता मैंने पढ़ा है, इसमें ये टाइमर जो है ये हेल्प आउट करता है। तो ब्रेक भी लेनी है और टाइमर भी लगा लीजिए, ये हर मोबाइल में होता है टाइमर, इससे आपका ये मसला भी हल। एक और चीज जो है वो ये है बच्चे को नहीं बैठाना, ये कोई जंग नहीं है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि अगर ये खुशगवार मूड में होगी, अगर ये अच्छे मूड में होगी तो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा, अगर ये अच्छे मूड में नहीं है तो फिर बच्चा कम पढ़ेगा, वो बैठा तो रहेगा लेकिन उसकी आउटकम नहीं होगी, परफॉर्मेंस कुछ नहीं आएगी। अच्छा, अब हमें एक और भी चीज सीखनी है कि हम बच्चे की मार्क्स और ग्रेड्स और परसेंटेज की बजाय हम बच्चे की एफर्ट जो है उसकी जो लर्निंग है उस पर तवज्जो दें।
उस पर फोकस करें, उसको एनकरेज करें, इस चीज को भूल जाएं कि बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे, क्योंकि बच्चे के जो मार्क्स हैं उनका बहुत सारा तल्लक बच्चे की पढ़ाई वाली जहानत से भी है। आपकी लम्हे ही है कि जहानतें 9 किस्म की हैं, और 9 किस्म की जहानतों में से जो पढ़ाई वाली जहानतें हैं वो 3 के करीब हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन मार्क्स वाली, बहुत ज्यादा मार्क्स लेने वाली जहानत जो है वो उतनी नहीं होती, क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन मार्क्स उतने तवक्को के मुताबिक नहीं आते। परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि जो बाकी 6 जहानते हैं अगर उनमें से भी बच्चे में कोई एक दो ज्यादा अच्छी जहानत होगी तो वो जिंदगी के मैदान में बहुत कामयाब होगा। मसलन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं देखें वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया के बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा पढ़ाई वाली जहानत की जरूरत नहीं है। एक आम सा बच्चा जिसने मैट्रिक कैफे किया हो वो भी दुनिया में बहुत सारे इज्जत दौलत शोहरत हासिल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि आपने ये जहन में रखना है कि कोई भी इंसान जो है वो मोटिवेट होता है तो वो 3 चीजों की वजह से होता है, और इसमें हम बच्चे को जरूर डिस्कस करेंगे। कोई भी इंसान जो है उस सबसे पहले जो मोटिवेट होता है वो फायदे और नुकसान की असूल को मद्देनजर रखना है, बच्चों को माइल करने का। अगर वो पढ़ता है तो उसे कुछ फायदे होने चाहिए, और अगर वो नहीं पढ़ता तो उसे कुछ नुकसान होना चाहिए, ताकि वो आइंदा ये सीख ले कि मैंने नुकसान से बचना है तो मुझे पढ़ना है। ये बात उसे कहनी नहीं है मुझसे, ये बात उसे इनडायरेक्टली समझानी है। मसलन जिस दिन वो अगर नहीं पढ़ता तो आप उसका मोबाइल बंद कर दीजिए, आप उसका टीवी बंद कर दीजिए, आप उस दिन उसे कोई उसकी पसंद की चीज खाने पीने की ना दीजिए, उस दिन सिर्फ सादा रोटी होगी जो भी घर में पका होगा। तो इनडायरेक्टली कुछ दिनों बाद बच्चे को समझ आ जाएगी कि जिस दिन मैं पढ़ता हूँ तो उस दिन तो मेरी पसंद की चीजें भी मुझे मिलती हैं खाने पीने में, उस दिन माँ खुश भी होती है, तारीफ भी करती है, चूमती चाटती भी है, गले से भी लगाती है, और मुझे मोबाइल भी देती है खेलने के लिए, और टीवी भी देखने के लिए मेरी मर्जी का चैनल लगा देती है। तो चंद दिनों में बच्चे को ये समझ आ जाएगी। तो याद रखिए कि ये इंसान जो है, इवन हैवान भी इस असूल को बहुत अच्छा समझते हैं कि फायदा कहाँ है और नुकसान से कैसे बचना है। तो छोटा बच्चा जो है वो इन चीजों के मुताबिक चलेगा, इस असूल के मुताबिक। थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो फिर इज्जत और बेइज्जती के चक्कर में भी आएगा। बहुत से इंसान हमें से बहुत से काम इज्जत हासिल करने के लिए और बेइज्जती से बचने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये आदमियत का लेवल है, इंसानी लेवल है, वो जो पहला है वो हैवानी लेवल भी है, क्योंकि हैवान भी सजा और जजा को समझते हैं। तो अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी फिर इज्जत भी बढ़नी चाहिए, अगर वो पढ़ता है तो। बेइज्जती की मैं बात नहीं करूंगा, बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन उसे इज्जत ज्यादा देना शुरू करें। और फिर सबसे बड़ा अच्छा लेवल जो होता है वो ये होता है कि इंसान काम करे इसलिए कि ये काम उस पर फर्ज है, ठीक है, और उसको ये एहसास है कि मुझे ये काम करना चाहिए। थोड़े से बच्चे अगर बड़े हैं 7वीं 8वीं 9वीं में इवन 5वीं 6वीं में भी, तो बच्चे को बताइए बेटा जिस तरह आपके पापा जो है वो काम करने जाते हैं और 8-10-12 घंटे काम करके आते हैं, मैं हूँ, मैं सारा दिन काम करती हूँ, हाँ बीच बीच में रेस्ट भी करती हूँ, लेकिन टोटल मेरा भी 8-10 घंटे का काम बनता है। इस तरह से आप पे भी ये असूल लागू होता है कि आपने भी 8-10 घंटे जो है वो पढ़ना है। इसमें 5-6 घंटे आप स्कूल से पढ़ के आते हैं तो बस 2-3-4 घंटे घर में भी आपने टाइम दिया। तो अगर नए अल्फाज बच्चे को सिखा रहे हैं, कोई नई चीज सिखा रहे हैं, तो जो भी आपने उस पर रेपिटेशन पे जरूर जाना है।
रिव्यू पे जरूर जाना है, दोहराई पे भी, क्योंकि होता ही है कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो फॉरगेटिंग जो है, यानी फरामोशी जो है, उसको भूल जाना जो है, वो भी नेचुरल प्रोसेस है, और कुछ वक्त के बाद वो चीजें जो हमने याद की होती हैं वो भूलते भी हैं, जो हमने ली। तो आप हर रोज को 5-10 मिनट रखेंगे पहले कि वो जो पिछले दिन पढ़ा है उसको रिव्यू करेंगे, उसकी दोहराई करेंगे, उसको एक नजर देख लेंगे, उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। इस तरह वीकेंड पे एक दिन रख लीजिए जिसमें सारा जो वीकेंड वीक में पड़ा है उसकी आप रिविजन करेंगे, फिर आप महीने बाद ये कर सकते हैं। और ये होते हैं, इम्तिहान होते हैं, वो इसी रिविजन के लिए ही होते हैं, ताकि बच्चा जो है वो भूल ना जाए। तो आप घर में भी रिव्यू के लिए थोड़ा सा टाइम रखेंगे। अब जब बच्चे को बैठाना है आपने, तो कुछ चीजों का ख्याल रखना, बच्चा जो है उसने खाना खाया, वो भूखा ना, वो जो है खाना भी शायद लेजी कर देता है कुछ बच्चों को, लेकिन बच्चे का पेट बढ़ाओ, उसका पेट बढ़ाओ कि वो उसको भूख ना लगे। नंबर टू, उसकी नींद पूरी करो। अगर बच्चे को नींद आ रही है तो आप उसे पढ़ा सकते हो, स्ट्रेस में है तो भी उसके लिए पढ़ाई मुश्किल होगी। बातचीत कीजिए, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है तो उसको मदद कीजिए और उसको स्ट्रेस से बाहर लेके आइए। जिस जगह बच्चा बैठे उसमें कोई टेंशन नहीं लीजिए, ऐसी चीज How नहीं dare you? चाहिए तो उसकी तवज्जो, उसकी तालीम में उसका रुख जो है वो ऐसी दीवार की तरफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसपे कोई चीज ना लगी हो, कोई अट्रैक्शन ना हो, तो फिर वो उसकी कंसंट्रेशन बेहतर होगी। तो जो बच्चे हैं वो इंश्योर कीजिए कि उसके फिर वो वापस मुश्किल जाएगा। उन चीजों में जैसे मुराद है पेन, और जितने भी चीजें हैं बच्चे के पास, बच्चे को उठता है, और जब उठता है तो ये पानी जो है ये जरूरत बनाइए छोटे छोटे, ताकि वो 10 मिनट आप इन्हें उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए। चॉकलेट आपने पैक की है तो उसको 4-5 पीस कर लीजिए, पूरी चॉकलेट ना दीजिए, तो एक पीस जो है वो उसे लगा दीजिए, ठीक है, से दे दीजिए, तो वो खुश हो जाएगा। चीख करना जो है ये इंसान को मतलब चीख को मोटिवेट करती है, कि वो 2 घंटे पढ़े और आपको चीख उसकी बजाय ये बेहतर है कि आप 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद चीज दें, वो बच्चा ज्यादा अच्छा फील करेगा। और फिर आपने एफर्ट को अप्रिशिएट करना है, उसके काम को अप्रिशिएट करना है, जैसे कि मैंने पहले बात उसके मार्क्स और परसेंटेज पे नजर रखें। याद रखें इंसान के प्यार में मेहनत है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट अल्लाह करीम ने अपने पास रखे, इंसान की मेहनत जो है उसके अलावा सैकड़ों फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो मजदूर और किसान करता है, लेकिन सबसे कम कमाता है, तो उसका मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, एक फैक्टर है। और अगर अच्छी पढ़ाई करनी है, जिंदगी में अच्छा मुकाम पाना है, तो ये 30 के करीब फैक्टर को मद्देनजर रखना पड़ता है, ठीक है जी। वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बात करेंगे इंसान की सक्सेस पे, तो फिर वो फैक्टर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल तालीम में भी अगर बच्चे ने ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो उसमें भी उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से मेहनत एक फैक्टर है, ठीक है। मेहनत अच्छे मार्क्स की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स की में मेहनत है, क्योंकि आप मुझे मेहनत करते हुए नजर आइए, मुझे पढ़ते हुए नजर, मुझे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, मार्क्स कम आए या ज्यादा तुम्हारे हैं मेरे हैं, हम दोनों के, हम सबके हैं। पढ़ाई में जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी वो जरूर होनी चाहिए। कुछ रिसर्चेस जो हैं वो ये शो करती हैं, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी जितनी ज्यादा वालदैन दिलचस्पी लेंगे बच्चे की पढ़ाई में,
बच्चा उतना ज्यादा पढ़ेगा, उतना ज्यादा सीखेगा। तो ये भी ध्यान में रखिए। तो फिर आप उस दौरान में जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके करीब रहिए, उसकी एक्सेस में रहिए कि अगर वो बुलाए, अगर उसको कोई मुश्किल है तो आप वहां पे पहुंचे, आप उसकी हेल्प लीजिए। क्योंकि बाद बच्चे को हेल्प की, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है। कोई काम उससे नहीं हो पा रहा, उसके लिए मुश्किल हो गया, कोई चीज समझ नहीं आ पा रही, उसको किस चीज की जरूरत है, ठीक है, वो थक गया है, उसको किसी ब्रेक की जरूरत है। चाहे इस दौरान में फिर आपने कोशिश करनी है कि आप वो काम करें जो कि जिसमें आप बच्चे के नजदीक पहुंचे, ताकि जरूरत बच्चे के पास पहुंचे। बच्चे के जो टास्क हैं वो बहुत मुश्किल हैं, गोल्स हैं वो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट जो है वो अल्फाज का एब्रीविएशन है, मुखफ्फफ है, ऐसे है स्पेसिफिक, यानी बच्चे को बिल्कुल क्लियर पता हो कि उसको क्या कहा गया है, उसने क्या करना है, टू द पॉइंट उसे बताइए। एम से मुराद यह है कि मेजरेबल, उस काम को हम चेक कर सके, हमें आपको पता हो कि मैंने कैसे चेक करना है। मतलब अगर आपने उसे अल्फाज दिए हैं तो फिर आप उसका टेस्ट भी बाद में लेंगे कि आपने ये याद करने हैं और उसके बाद मुझे सुनाने हैं या मुझे लिख के देने हैं, मैं आपसे पूछूंगी। सारे मत लिखवाइए, अगर 20 लफ्ज दिए हैं तो आप उनमें से 4-5 लिखवा दीजिए और असेस कर लीजिए, मुझे लेकिन दुनिया में जीत उसकी है, कामयाबी उसके कदम चूमती है, थोड़े टाइम में ज्यादा काम करता है, एफिशिएंट होता है। तो ये जो एफिशिएंसी है ये तब ही आएगी जब आप टाइम बाउंड करेंगे चीजों को। तो आप बच्चे को टाइम बाउंड कीजिए कि ये काम इतनी देर में हो जाए, ये काम इतनी देर में हो जाए। और जापानी का एक असूल है, और ये आपके इलम में, जापानी जो है से शानदार अखलाकियात के हवाले से भी, मामला के हवाले से। तो जापानी ये कहते हैं कि आपने हर काम जो करना है वो बेहतरीन करना है। पहला जो उनका असूल है कि जब भी आपको कोई काम दिया जाए आप बेहतरीन अंदाज से करें, पूरी कोशिश लगाएं। लेकिन अगली शर्त भी है, दूसरा कानून भी है, और वो ये है कि जब आप वो काम दूसरी दफा करें तो पहली दफा से अच्छा होना चाहिए। तो असूलों को कहते हैं काइजन का असूल और कानबान का असूल। ये
और ये क्या है ये हम इसको जमा सब लोग अपना मुंह क्यों नहीं बंद करते मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तरीक जो है उसको नाम बना के काम करता है मैंने आज आपके आपके अपना और कैपिटल लेकिन जब बच्चे ने सही फॉर एग्जांपल द टू डॉट्स तो क्या काम कर क्रेडिट जो है वो फिक्स हो जाएगा मुझे ये है सर अपॉलिस तुझे कुछ लाइन के क्या स्पेलिंग है सवाल अगर आप लाइन की स्पेलिंग एल ओ एल आई ओ सीता के पास आगे पूरे पेड़
आप अपनी बचाए आप वो भी है ये क्या अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पड़ता है। इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ लर्निंग है ये हर बच्चे का मुख्तलिफ है, जिस तरह हर बच्चे की पसंद नापसंद मुख्तलिफ है इस तरह से सीखने के स्टाइल जो है सीखने के जो तरीके हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो आपने तो उन पे बात हो जाती है जी। जी कोई क्वेश्चन है तो मुझे दीजिए। अच्छा चले लाइव क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे। टीचर से रबते में रहना जो है ना जी वो भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में इजी नहीं होते। वालदैन जो हैं वो रबते में नहीं हो रहे होते, बच्चे को मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, चुनाचे बच्चा जो है वो इजी नहीं रह रहा होता, उसको कुछ चीज़ों की कुछ सब्जेक्ट्स की या कुछ टॉपिक की समझ नहीं आ पा रही होती। तो बच्चा जो है उसका कम्युनिकेशन का वो लेवल नहीं होता जो कि पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स बहुत आसानी से टीचर से बात कर लेते हैं, स्कूल से बात कर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता। बस का बच्चा बहुत छोटा होता है, बस का बच्चा शाय होता है। तो आपने ये करना है कि स्कूल से रबते में रहना है और बच्चे से बातचीत करते रहना है। हाँ स्कूल से रबते में रहने का मतलब एक ये भी है कि आप बच्चे से स्कूल के बारे में पूछें। कुछ चीज़ें हर स्कूल में नेगेटिव भी हो सकती हैं जो बच्चे को पसंद ना हो, उसे स्कूल की तरफ से वो बिल्कुल चीज़ें ठीक हों, स्कूल के हवाले से ठीक हो लेकिन बच्चे की पसंद की ना हो, तो बच्चा उन पर एतराज भी कर सकता है। जाहिर है स्कूल की हर हर चीज़ हर हर बच्चे को हर हर वक्त पसंद नहीं आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर किया जा सकता है उनको इग्नोर कीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि फलां बात जो है वो बच्चे की पढ़ाई में रुकावट बन रही है तो फिर आपने ज़रूर बच्चे के स्कूल से रब्ता करना है और उस मुश्किल को दूर करना है जो बच्चे की तालीम में रुकावट बन रही है। आजकल चूंकि कोविड का दौर है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या वीडियोस के थ्रू चल रही हैं, तो इन वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, यूएसबी में रिकॉर्ड कर लीजिए और वो यूएसबी जो है जब मर्जी लगाएं। वैसे तो मोबाइल में अलबत्त वो मौजूद होती हैं तो मोबाइल के जरिए बच्चों को प्रोवाइड की जा सकती हैं चीज़ें, तो बच्चे को मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड करिए क्योंकि अगर मोबाइल नहीं है या उसके बाद थोड़े टाइम के लिए है तो फिर बच्चे के लिए मुश्किलात होंगी पढ़ने में। जहां बच्चे को इनाम देना है तो उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें मद्देनजर रखने हैं। एक फैक्टर यह कि जब बच्चे को इनाम दें या उसकी तारीफ करें तो खुशी का इजहार करें, खुशी नज़र आनी चाहिए बच्चे को कि जो उसको देखने वाला है पढ़ाने वाला है वो खबाप है या माँ है तो वो बहुत खुश हुआ है। बच्चे जो है वो माँ बाप को खुश देख के खुश होते हैं और उनकी खुशी में खुश होते हैं। तो आपने जब हौसला अफजाई करनी है तो अच्छे अल्फाज में करनी है, एक ही या दो चार अल्फाज जो हैं उन्हीं के साथ बार बार नहीं करनी, यानी घिसे पिटे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। हर दफ़ा कोशिश करें कि नए किस्म के अल्फाज हों, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हों, कभी पंजाबी में कर दें, कभी उर्दू में कर दें, कभी इंग्लिश में कर दें, और अल्फाज अगर मुख्तलिफ होंगे तो बच्चे पे ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट आएगा।
तो आप अल्फाज को बदल बदल के जो है ना जी वो बच्चे की तारीफ कीजिए, अगर आप बोल के तारीफ करना चाह रहे हैं, अगर आप खाने पीने की अशिया जो हैं उनके जरिए तारीफ करना चाह रहे हैं तो फिर ये भी बदल बदल के होनी चाहिए, लेकिन होनी बच्चे की पसंद की चाहिए। कभी आप बच्चे को अंडा बना के दे रहे हैं तो कभी आप चिप्स बना के दीजिए, कभी आप चॉकलेट दीजिए, तो कभी आप जूस दीजिए, फल दीजिए, जो भी बच्चे की पसंद है। अहम बात यह है कि चीज़ वो देनी है। कई वालदैन ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को बहुत महंगी चीज़ देते हैं लेकिन वो बच्चे की पसंद की नहीं होती, तो ऐसी चीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके ख्याल में तो बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है लेकिन बच्चे को पसंद नहीं है। तो अहम बात यही है कि अगर आप बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ाई की तरफ तो बच्चे की पसंद की चीज़ होनी चाहिए, बच्चे की पसंद के अल्फाज होने चाहिए, बच्चे की पसंद की एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, आप बच्चे को टोकन्स भी दे सकते हैं छोटे छोटे, या स्कोर्स या पॉइंट्स दे सकते हैं। जिस तरह से आप शॉपिंग करने जाते हैं तो मुख्तलिफ जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो आपको पॉइंट्स देते हैं, तो आप गौर कीजिए कि ये पॉइंट्स आपको मोटिवेट करते हैं शॉपिंग करने पर, कि इतने पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये फ़ायदा होगा, तो आप वो पॉइंट्स हैं वो अर्न करने के चक्कर में ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। तो अगर आप बड़े जो हैं आपको ये पॉइंट्स जो है मोटिवेट करते हैं पैसे खर्चने की तरफ, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं। बच्चा तो है ही नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर काम करने वाला, तो आप जो है रोज़ के रोज़ बच्चे को पॉइंट्स दीजिए। आप रोज़ के रोज़ 10 पॉइंट रख लें, 20 पॉइंट रख लें, 50 रख लें, 100 पॉइंट्स रख लें, और उन 100 पॉइंट्स में से बच्चे की कोशिश को और बच्चे की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए आप उसे रोज़ के रोज़ कुछ पॉइंट्स दें, और फिर तय कर लें कि जब ये 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो मैं आपको ये दूंगी। और ये यकीनी बनाइए शुरू के दिनों में बच्चे को ये जल्दी जल्दी 1000 पॉइंट्स मिल जाएँ, ये 2-4-5 दिनों में मिल जाएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। यानी शुरू में अगर 2 दिन के बाद मिले थे 1000 पॉइंट्स तो फिर ये 3 दिन के बाद कुछ दिनों के बाद मिलें, 15-20 दिनों के बाद फिर ये 4 दिन बाद मिलें, और फिर ये कभी कभार भी ये हो सकता है, क्योंकि वो टारगेट है वो थोड़ा सा मुश्किल करते जाए, जब बच्चा आदि हो जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दीजिए बच्चे को, ये बड़ा अच्छा तरीका है पॉइंट्स देने का। एक और तरीका है कि आप बच्चे को टोकन्स दीजिए। टोकन क्या है? टोकन आपने ये करना है कि कोई अच्छा सा गत्ते का डिब्बा लेना है, उसको काट लेना, या आम मिल जाते हैं हमारे घर में पड़े होते हैं डिब्बे, तो ये जो डिब्बे हैं इनके गोल टोकन्स बना लीजिए, या त्रिकोण काट लीजिए या स्क्वेयर्स काट लीजिए, और उनके ऊपर अपने सिग्नेचर्स कर दीजिए जो थोड़े से मुश्किल हों, जो कोई कॉपी ना कर सके। अब बच्चे ने अगर अच्छा काम किया है तो आप उसे टोकन्स दीजिए, और फिर इनाम जो है वो टोकन्स पे तय कर लीजिए। याद रखिएगा कि जो इनाम है वो बड़ा किसी एक छोटे से काम पे नहीं देना, वरना आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो मैंने आपके पैसों का बोझ भी नहीं डालना और मामला भी हल करने हैं। एक जो अहम बात है वो ये है कि जो चीज़ें बच्चा पसंद करता है, जो एक्टिविटीज़ बच्चा पसंद करता है, यानी जो काम मतलब मोबाइल, ये आपने बगैर पढ़े बच्चे को नहीं देने, यानी ये रोक लेने हैं। इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट जो है अगर बगैर पढ़े ही मिलती रहेगी वक्तन फोक्तन तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। ये बात आपके इल्म में है, इंसानी नफ्सियात है कि जो चीज़ उसका चाम ख़त्म हो जाता है। एक ही डिश अगर आप रोज़ खाना शुरू कर दें, फ्रूट डिश की हो, आप रोज़ 3 टाइम खाना शुरू कीजिए, मुझे यकीन है कि 3 दिन भी आप नहीं खा पसंद है खाने पीने में, या जो काम बच्चे को पसंद है करने में तो वो आपने फिर रोकने हैं। और इसमें ये भी यानी बढ़ाए नाम, ठीक है, तो आप पिज्जे को कर सकते हैं, तो ये पिज्जा वगैरह तो आप वैसे भी बच्चों को खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, तो आज के बाद ये करिए कि ये पिज्जा जो है या बर्गर जो है ये मुंसलिक कर दीजिए बच्चे की पढ़ाई से, तो फिर बच्चा जो है वो ज्यादा पढ़ेगा, बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अब आप कर सकते हैं, हमारे पास अब टाइम कम है, हम ओपन हैं क्वेश्चंस लेने के लिए, तो मैं तो चलता जाऊंगा और आपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं।
ये हमारा थोड़ा सा इशू चल रहा है ये क्वेश्चंस लेने के हवाले से, तो मेरे जो साथी हैं वो इसको एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चंस आ जाएं। अच्छा जी, तो एक और जो काम करना है वो ये है कि पढ़ने से पहले बच्चे से डिस्कस करना है कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या काम करना है, किस तरह से करना है। पढ़ाई के दौरान उसे पूछते रहिए क्या पढ़ा है अभी तक, क्या चीज सीख ली, उसके हवाले से उसको असिस्ट कर दीजिए, रीइंफोर्स कर दीजिए, इनकरेज कर दीजिए। फिर जब पढ़ ले बच्चा तो फिर आप उससे पूछिए। तो ये जितनी आप इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे, लेकिन ये जो पूछना है ये अच्छे अंदाज में होना चाहिए, ये पुलिस की तरह से नहीं है। अच्छा, इस पढ़ाई की वजह से बच्चे को मारना किसी भी सूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो मार है उससे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका बच्चा पढ़ तो ले वक्ती तौर पे, लेकिन सारी जिंदगी जो है वो पढ़ाई से नफरत करेगा, उसकी अगली जिंदगी में जो फिर इल्म का हसूल है वो मुश्किल होगा, और फिर जब वो बड़ा होगा आप उसको नहीं मार सकेंगे तो फिर वो बागी हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई की तरफ आएगा ही, तो इट विल बी वेरी टफ। तो मार के पढ़ाना जो है ना वो उसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, जो पढ़ाई में उसको रुकावट है जिसकी वजह से पढ़ाई जो उसे मुश्किल लगती है, लेकिन मारिए नहीं। मार की नुसीहत बड़ी गड़बड़ा है, और ये जो मार है ये ना सिर्फ बच्चे को बल्कि पूरे माशरे को मुतासर करती है, क्योंकि जब हम मार के अपना काम बच्चे से करवा लेते हैं तो बच्चा ये सीखता है असूल के मार से काम निकलते हैं, गुस्से से काम निकलते हैं, गुस्से से मकसद हासिल होता है, मार से मकसद हासिल होता है, तो फिर वो गुस्सा करना सीखता है। और पहले वो अपने छोटे बहन भाई पे गुस्सा निकालेगा, मारेगा उनको, फिर जब बड़ा होगा तो बीवी पे निकालेगा, बच्चों पे निकालेगा, ऑफिस में, तो पूरा मुआशरा जो है वो ये तशद्दुद पे चला जाएगा, इंतहा पसंदी पे चला जाएगा। तो दोबारा अर्ज करता हूँ कि जो टॉलरेंस है वो पढ़ाई की होनी चाहिए। जिंदगी में कामयाबी वो हमारी जो डिग्रियां हैं उनसे जुड़ी हुई है। ये याद रखिए कि जो बहुत ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं वो यूजली जो है वो नौकरियां करते हैं, जो थोड़े से कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यूजली जो है वो बिजनेस में करते हैं और उन्होंने पढ़े लिखे बिल्कुल भी मार नहीं है, मिस्टर नागनी से भी इंसान चल जाना ठीक है। आप दूसरे आले गांव थोड़ी सी हल्का लगे कोई चीज उसको याद भी जाए, ओवरबर्डन कर दिया जाए और वो तो ना कर सके या काम उसकी पहुंच से बाहर हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बच्चे की को तनकीद का निशाना बनाया जाए, तारीफ कम हो तो भी उसका कॉन्फिडेंस, तो बच्चे को अगर कॉन्फिडेंस देना है तो ये काम जितनी मैंने बताए हैं वो करने हैं, और अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो जाएगा। हर दुनिया के बच्चे में नौ जहानते हैं, कुछ जहानते ज्यादा होंगी, कुछ जहानते कम होंगी। नौ जहानते कौन सी हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। नंबर एक है वर्बल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, वर्बल लिंग्विस्टिक यानी बोलचाल की। कुछ बच्चे कम्युनिकेशन में बातचीत में बड़े तेज होंगे, ठीक है, तो अगर ऐसा बच्चा है तो फिर उसके लिए ऐसा काम ढूंढिए जिसमें बातचीत हो। ये पॉलिटिशियंस बातचीत के माहिर होते हैं, जो दुकानदार हैं वो बातचीत के माहिर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बातचीत के माहिर होते हैं, तो ये वो वाले होंगे, इसमें पढ़ना लिखना भी आएगा।
फिर है मैथमेटिकल लॉजिकल, ये मैथ्स में अच्छे होंगे, दलाइल बड़े अच्छे देंगे, ये भी इनके लिए भी जो फील्ड मैंने बताई हुआ है। फिर है एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी ज़ात के मतलब गहरा इलम रखना। तो ये जो सूफिया हैं, बुजुर्ग हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बड़े बड़े मुफक्कर हैं, ये इन चीज़ों में जिनमें ये जानत होगी इंट्रापर्सनल, वो इस तरह के चीज़ों में जाएंगे, इस किस्म के शोबों में कामयाब होंगे। फिर है इंटरपर्सनल, जो लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं, तो लोगों से ताल्लुकात जो है वो बिजनेस में बड़े काम आते हैं, कारोबार में काम आते हैं। तो अगर आपका बच्चा जो है लोगों से ताल्लुकात बनाने में बड़ा अच्छा है, तो फिर जिंदगी में कामयाबी उसकी बहुत यकीनी है। तो लोग बच्चों को अपने ये भी सिखाएं कि अच्छे जो है ना जी वो आपने रिलेशंस रखने हैं। फिर जो है ये जो है एक इंटेलिजेंस है, फिजिकल जो इंटेलिजेंस है, बॉडली काइनेस्थेटिक किसे बोलते हैं, ये स्पोर्ट्स में होती हैं। तो बाद बच्चे ऐसे हैं जिनके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो देखने में तो आम से लगते हैं, लेकिन जब दौड़ लगाएंगे तो बहुत तेज दौड़ेंगे, या कोई गेम करेंगे तो बहुत अच्छी करेंगे। फिर एक म्यूजिक की इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये जो है राग रागों में और म्यूजिक में बड़े अच्छे होंगे। नात भी, अगर आप उसको म्यूजिक की तरफ नहीं समझते तो नात खानी किरात इसमें बड़े अच्छे होंगे। तो बहुत बड़े बड़े नात खान बहुत पैसे कमाते हैं, किरात करने वाले भी बहुत पैसे कमाते हैं। तो ये जो है ये इंटेलिजेंस है। फिर एक जो है नेचुरलिस्टिक जहानत भी है, यानी जो चीज़ें नेचर में पाई जाती हैं, तो ये लोग जो हैं ये हकीम बनेंगे, इनको जड़ी बूटियों का इलम होगा, पत्थरों का इलम होगा, ये पत्थरों को तराशने में और उस तरह के पत्थरों को पहचानने में, तो जो नेचर में चीज़ें हैं ये उनमें माहिर होंगे। ये चीज़ों को फलते फूलते देखते हैं, बढ़ते देखते हैं, पौधों को, दरख्तों को, फलों को, तो इनकी इनकी इनका जो इलम है, इनका ध्यान है वो इस तरफ जाएगा। फिर एक है एग्जिस्टेंशियल जहानत, यानी इंसान इस दुनिया में मौजूद है, किन असूलों के तहत उसने ज़िंदगी गुजारनी है, किन असूलों के तहत उसने काम करने हैं, कौन से असूलों के तहत जो है वो मामला तय होंगे। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं हिस्ट्री में, जिनकी आप कोर्स जो हैं वो बताते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, जिन्होंने दुनिया को खास रंग की तरफ, खास चीज़ों की तरफ मायल किया, स्ट्रेटजीज, फिलासफीज, ये फिलासफर्स कह लें, फिलेंथ्रोपिस्ट कह लें, ये वो लोग हैं, लीडर्स बहुत बड़े बड़े हैं, जो थिंकर्स हैं, ये उसकी सब बात कर रहा हूँ, जो थिंकर्स हैं उनकी। तो ये आप देखेंगे कि हर बच्चे में कोई ना कोई जहानत मौजूद है। अल्लाह करीम ने किसी भी बच्चे को तो आपकी ये जहानत नहीं है अपने और को रखी के रास्ते और पढ़ाई एक रास्ता है और बाकी रास्ते भी बहुत सारे। तो बच्चे जो पॉजिटिव हैं उनको आप बढ़ाइए, डेवलप कीजिए, नेगेटिव जो है वो आहिस्ता सा खुद कम होते चले जाएंगे। जिंदगी जो है वो एक ग्लास में पानी की तरह से है, तो अब दो बढ़ाएंगे तो ये आसान हो जाएगा कि आप पानी बढ़ा लें। तो आप पानी को बढ़ाने पे फोकस कीजिए, खालीपन को दूर करने के लिए, यानी जो बच्चे की खूबियां हैं उनको इनकरेज करके, उनको पॉलिश करके बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाने की तरफ देखिए। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि बच्चे के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप देखिए कि उनमें से किस खास सब्जेक्ट में मेरे बच्चे का दिमाग तेज चलता है, तो आप उसको उस सब्जेक्ट की तरफ लेके आ सकते हैं। बहुत मदद थी, हम एक थोड़ा सा लेट शुरू है, एक हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स लेने का जो सिलसिला है वो ठीक नहीं हो सका, इवन मैसेजेस का भी, तो आज ये वन में ट्रैफिक रही, हम उन्हें पसंद नहीं करता,
लेकिन चले इंशाल्लाह अगली किसी दफा जो है वो ऐसा कुछ कोशिश करें कि हमारा कनेक्शन बेहतर हो और हमारे जो मामलाते हैं ये बेहतर हो जाए, तो हम आपकी जो क्वेश्चन है वो भी ले सकें और जो डायरेक्ट रब्ता है वो भी मुमकिन हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से ताकि हम इसको अगली दफा और बेहतर कर लें। और अगर आपके जिन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर दीजिए, तो इंशाल्लाह आप अगली दफा उसको देख लेंगे। और टॉपिक भी अगर आप किसी एक टॉपिक पे, खास टॉपिक पे चाहें कि मैं आपसे बातचीत कर लूँ, तो आप वो टॉपिक भी दीजिए, इंशाल्लाह उस पर भी बातचीत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।